सिरिपोस्ट में आपके साथ मैं हूं नामिका। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव तो बिहार की राजनीति में काफी धमाल मचा रही है, हम सब जान रहे हैं। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें तेजस्वी को जनता ने कितना पसंद किया है, अपना कितना समर्थन दिया है, ये सब लोग देख चुके हैं। लेकिन इस बीच अब लालू यादव की जो बेटी है चुनाव मैदान में वो भी उतरने जा रही है। जी हाँ, लालू की बेटी भी अब राजनीतिक विरासत को संभालने जा रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प बात यह है कि लालू की जो बेटी है वो आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। हम बात कर रहे हैं लालू की बेटी और हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की पुत्रवधु अनुष्का की। अनुष्का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, हालांकि ऑफिशियल तौर पर इसका अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट या फिर ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन समर्थकों में, जो भी समर्थक है उन लोगों के बीच में काफी खासा जोश देखा जा रहा है और काफी चर्चा जो है वो उसका जो बाजार है वो काफी गर्म है। हरियाणा के रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव 27 दिसंबर को होने वाले हैं, यानी कि आने वाले 27 दिसंबर को होने वाले हैं। नगर परिषद चुनाव में पहली बार प्रधान पद के चुनाव प्रत्यक्ष होने हैं। प्रधान का पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए रिजर्व है। अनुष्का के पति चिरंजीव राव वर्तमान में रेवाड़ी विधानसभा से विधायक हैं। अब कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि इस बार नगर परिषद प्रधान पद का जो चुनाव है वो सिंबल पर लड़ा जाएगा। सिंबल पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही कैप्टन समर्थकों ने अनुष्का को प्रधान पद का उम्मीदवार बनाने के लिए झंडा उठा लिया है। कार्यकर्ताओं में अनुष्का की उम्मीदवारी को लेकर के काफी ज्यादा जोश है। बहुत से कार्यकर्ता तो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि कैप्टन परिवार की तरफ से अभी तक अनुष्का को चुनाव लड़ाने की कोई भी आधिकारिक घोषणा, ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। कैप्टन परिवार और समर्थक विधायक चिरंजीव राव के रेवाड़ी वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। चिरंजीव किसी काम से बाहर गए हुए थे और आज वो रेवाड़ी आकर के समर्थकों के साथ में बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। उसके बाद ये सारी जो चीजें हैं, जो चर्चा को, जो बाजार गर्म है, वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तब तक हमें भी इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।